आप तक न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। लॉकडाउन की वजह से यूपीआई लेनदेन में गिरावट, आरटीजीएस की बड़ी डिमांड। तमिल चैनल के 25 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, रोकना पड़ा लाइव शो। पाकिस्तान का आतंक प्रेम, आतंकी निगरानी सूची से हटाए 3,800 नाम। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, रायबरेली में 33 संक्रमित। कोरोना के बाद चीन के कारोबारी अटैक के खिलाफ भारत सहित पूरी दुनिया हुई एकजुट। मुंबई के बाद दिल्ली में भी पत्रकारों का कोरोना टेस्ट करवाएगी केजरीवाल सरकार। यूपी के बाद एमपी सरकार ने कोटा भेजी 150 बसें, फंसे छात्रों की होगी घर वापसी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार, अब तक 590 की मौत। न गाड़ी थी न पैसे, 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफर कर गुजरात से असम पहुंचा शख्स। पुणे में क्लिनिक की 19 नर्स और 6 अन्य पैरामेडिकल कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना वायरस, आइसोलेशन में रहेंगे 125 परिवार। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 1,70,000 लोगों की मौत, यूरोप सबसे बुरी तरह प्रभावित। बिजली कंपनियों की सहायता के लिए 70,000 करोड़ का कोविड-19 पैकेज जल्द। ट्विटर के साथ मिलकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया कोविड इंडिया सेवा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर मंडराया कोरोना का खतरा, कुछ दिन पहले मुलाकात करने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन में नहीं आएगी दिक्कत, 2 महीने तक का राशन मौजूद है, सोनोवाल सरकार का कहना। सरकार का बड़ा फैसला, पहली क्लास से लेकर 9वीं तक सारे विद्यार्थी बिना परीक्षा के किए जाएंगे पास। मिजोरम त्रिपुरा सीमा पर जवानों पर भीड़ ने किया हमला, 2 गिरफ्तार किए गए। पिछले 24 घंटे में ठीक हुए कोरोना के 705 मरीज, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा, स्वास्थ्य मंत्रालय।